हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज हम धोने लगे हैं स्टोर रूम को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि इसको आज धोएंगे, कल धोएंगे, बस किसी तरीके से लेट पे लेट हुए जा रहा था। लेकिन आज जब देखा कि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, इतनी ज़्यादा डस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया है कि साइडों से ये जो शेड है ना, ऊपर हमने शेड डाला हुआ, ये साइडों से थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है, जिस कारण क्या होता है कि डस्ट जो है, धूल मट्टी सब, मेन रोड पे घर है, जो भी धूल मट्टी होती है ना, वो अंदर आ जाती है। अगर रोज़ डस्टिंग नहीं करते हैं तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ये वाले स्टोर रूम को मैंने पिछले 10 दिन से बिल्कुल नहीं धुला है, सिर्फ झाड़ू किया है सामने सामने, तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, आप देख सकते हैं। तो हमने सोचा चलो इसको पहले साफ़ कर देते हैं, उसके बाद जो है बाकी काम कर लेंगे। तो यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं स्टोर रूम को धो रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सबके साथ की और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चले बने रहिए, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लीनिंग रूटीन आपके साथ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना, और आप लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। इसी तरह मेरी हर वीडियो को सपोर्ट और प्यार करते रहिए, और आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सके। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ टेबल, तो इसी तरीके से मैं पानी से धो लेती हूँ। वैसे भी ये जो फर्नीचर है बहुत पुराने हो गए हैं, तो वैसे भी क्या करूँगी ना, जैसे इसको मैं धो के उसके बाद मैं कूलर लगा दूँगी और सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, तो उससे क्या होगा, जल्दी से सूख जाएगा। तो मैं इसी तरीके से धो लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं टोकरी है इसको भी धो लेती हूँ। फिलहाल तो ये टोकरी जो है थोड़ी सी डैमेज हो गई, तो इसको यूज नहीं करते हैं, बट फेंकने का मेरा दिल नहीं हो रहा है, तो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, चूहे ने इसको ख़राब कर दिया है। तो यहाँ टेबल को धो के और इस टोकरी को भी हम धो लेते हैं। तो चलिए जो करते हैं क्या करते हैं, आप बने रहिए वीडियो पर और इन्जॉय कीजिए मेरे इसी वीडियो को। बाय बाय फ्रेंड्स।